हेलो फ्रेंड, दिस इज साहिल एंड वेलकम टू कैटकॉम लैब। आज हम लोग ऑटोकैड 3D में पढ़ते हैं कि जो ऑटोकैड 3D के टूल्स होते हैं उनको कैसे यूज करते हैं फर्नीचर डिजाइनिंग में, या फिर किसी मॉडल को क्रिएट करना, और लाइक वार्डरोब टेबल्स वगैरह, या फिर कोई भी टूल्स हो सकता है, सोफा वगैरह, स्टेयर्स वगैरह क्रिएट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक पार्ट कि एक छोटी सी टेबल हम क्रिएट करते हैं ऑटोकैड 3D में, कैसे बनेगा। व्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेबल बनाने जा रहा हूँ तो टेबल का सबसे पहले मैं लेता हूँ टॉप। बेसिक मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि व्यूज क्या होते हैं, टूल्स को कैसे यूज करते हैं, पॉली सॉलिड क्या होता है, एक्सट्रूड क्या होता है, प्रेस पुल क्या होता है, एंड सॉलिड एडिटिंग के टूल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, एक्सट्रैक्ट, एजेस, एक्सट्रूड फेस, स्लाइस। अगर कोई डाउट है कि ये क्लियर नहीं हो पा रही वीडियो, तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, सारे टूल्स को समझ सकते हैं, दर आप ये वीडियो वॉच करिए। तो हम लोग आते हैं टॉप व्यू पे। टॉप में आने के बाद मैंने यहाँ से लिया वायर फ्रेम, और मैं यूनिट यहाँ से चेंज कर रहा हूँ आर्किटेक्चर और इंचेस। यूनिट कोई भी हो सकती है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वर्किंग के पर्पज से। और मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल, REC, क्लिक ऑन स्क्रीन, डी एंटर, कितने बाई कितने का, 6 फीट बाई 2 फीट। ये आ गया हमारा एक छोटा सा रेक्टेंगल। अगर मैं रोटेट कराता हूँ तो ये आ गया छोटा सा पार्ट, और इसको मैं रोटेट कराने के बाद यूज़ करता हूँ प्रेस पुल, क्लिक करूँगा इसके बाउंड्री के अंदर और 2 इंचेस का थिकनेस दे दूंगा। कॉन्सेप्चुअल पे आके देखते हैं, क्लिक करिए, ये आ गया। अब नेक्स्ट हम दोबारा टॉप में आते हैं इसके लेग्स को क्रिएट करने के लिए। लेग्स को कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने REC लिया, देन किसी भी पॉइंट पे क्लिक करा और डी एंटर करके 9 इंचेस बाई 9 इंचेस का क्रिएट कर लिया। अगर आपको लगता है कि साइज एक्सटेंड हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम 3 इंचेस बाई 3 इंचेस भी ले सकते हैं, और बनाने के बाद हम उसको मूव करा देंगे कुछ ऐसे। कॉर्नर में कितनी डिस्टेंस होगी, क्या होगा, तो ये सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले अभी हम फोकस कर रहे हैं कि टूल्स को यूज कैसे करना है। मैंने एक को बनाया और उसी को मैंने करा दिया मिरर। मिरर कमांड है मैं यूज करने के बाद। फिर मैंने दोनों को सेलेक्ट करा, इन दोनों का मिरर करा दिया कुछ इस साइड, और ये आ गया। और प्रेस पुल लेने के बाद हम इसके फेस पे क्लिक करेंगे और हाइट हम पुट कर देंगे 2.5 से 3 फीट, जो भी हमें रखना है। रोटेट कराने के बाद फिर प्रेस पुल लेंगे, क्लिक करने के बाद 3 फीट, देन अगेन प्रेस पुल लेंगे, देन क्लिक करेंगे, देन 3 फीट। इसी तरह हम टारो लेग्स को सॉलिड कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा रोटेट कराते हैं इसको कॉन्सेप्चुअल पे आने के बाद, तो फ्रेंड समझ में आया कैसे मैंने बेसिक टूल का यूज करके टेबल को क्रिएट किया। फ्रंट में आते हैं और दोबारा से वायर फ्रेम करते हैं, और इसी टॉप वाले फेस को कॉपी कराते हैं। अच्छा देखिए उसने क्या करा, सारे फेसेस को मर्ज करा दिया। कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रेस पुल कराते हैं, तो वो इसी तरह ही करता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्रंट लेता हूँ, यहाँ से वायर फ्रेम लेता हूँ और एक REC के थ्रू रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ कुछ इतनी हाइट पे। फिर इसके बाद हम क्या कराएंगे, इसको 3D में आने के बाद इसको ले लेते हैं एक्सट्रूड, सेलेक्ट करके एंटर, कहाँ तक करना है, एंड पॉइंट क्लिक करो। एंड पॉइंट क्लिक करने के बाद जैसे मैं कॉन्सेप्चुअल करूँगा तो ये बन गया हमारा सॉलिड टेबल का पार्ट। आप फिर से फ्रंट में आइए और फिर से वायर फ्रेम कीजिए। मैं फिर से एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसके एंड पॉइंट से कुछ ये ड्रॉ करता हूँ, और इसके अंदर मैं एक और ड्रॉ करता हूँ। मैं साइज अभी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि टूल का यूज कैसे होता है। हाँ देखिए ये प्रॉब्लम आती है कि मैंने बनाया फ्रंट में था बट वो गया कहीं और डायरेक्शन में। तो ऐसी कंडीशन के लिए जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के फेस पे काम करना होता है, तो हम नीचे से बॉटम में अलाउ डायनेमिक यूसेस को ऑन करते हैं। डायनेमिक यूसेस ऑन करने का मतलब ये होता है कि हमारी वर्किंग थोड़ा सा ईजी होती है
और जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वो उसी फेस पे बनता है। ये देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है। देन हम एक्सट्रूड यूज करने के बाद इसको हम जहां तक एंड पॉइंट देंगे ये सॉलिड कर देगा। कॉन्सेप्चुअल पे देखते हैं, ये आ गया। फिर मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल लेने के बाद इसके फेस पे मैंने कुछ कोई भी डिस्टेंस लेके ड्रॉ करा एंड प्रेस पुल लिया और जहां तक आपको कट करना है हमने कट कर लिया। तो ऑटोकैड 3D में हम बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि ऑटोकैड 3D का एक लिमिटेशन पार्ट है। ऑब्वियसली ऑटोकैड 3D इज अ लिमिटेशन, बट बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग वाला पार्ट है बस, और कुछ नहीं। अच्छा चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट करा, व्यूज में लेता हूँ टॉप, और यहाँ से मैं लेता हूँ कुछ ये पार्ट। मैं वार्डरोब टाइप का क्रिएट कर रहा हूँ और थोड़ा सा बॉटम में मूव करा देता हूँ, ठीक है। एक्सट्रूड लेता हूँ और हाइट। उसके बाद मैं फिर से वायर फ्रेम पे आता हूँ और रेक्टेंगल लेके इसके फेस पे आपको जैसा डिज़ाइन क्रिएट करना है आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। मतलब शेल्स वगैरह अगर आपको निकालनी है, कोई डायमेंशन है कि हाँ हमें पार्टीशन चाहिए इतने इतने फेस पे, इतनी इतनी डिस्टेंस पे, आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए कुछ पार्टीशन, जैसे कि एक इतना पार्ट, और फिर यहाँ पे हमें चाहिए पार्टीशन कुछ छोटे छोटे से, ये और एक पार्टीशन हम और ले लेते हैं। आप एक काम और भी कर सकते हो, आप फ्रंट व्यू में आने के बाद भी इनको ड्रॉ कर सकते हो। देखिए दोनों कंडीशंस हैं, ठीक है। क्या हुआ, ये सिर्फ एक सॉलिड पार्ट है, कट नहीं हुआ है। अब हम जैसे ही प्रेस पुल लेंगे और कट करेंगे, देखो कट हो गया। तो अब कट तो पूरा होगा, तो अगर हम -1 फिट करें, बढ़िया, ये कट हो गया वैल्यू के साथ। इसको लिया -1 फिट, -1 फिट, ये भी कट हो गया। देन फिर प्रेस पुल लिया हमने एंड इसको लिया -1 फिट, देन अगेन प्रेस पुल लिया मैंने, यहाँ से इसको लिया -1 फिट। तो देखिए कितना इजीली हमने इंटीरियर के फर्नीचर्स वगैरह को, इंटीरियर के टूल्स को मैंने क्रिएट किया है, क्या बेसिक शॉर्टकट के थ्रू ऑटोकैड में। ये देखिए हमारा जो चीज़ हम मैक्स में यूज करते हैं। अच्छा मैं एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताता हूँ आपको। हम लोगों ने ऑटोकैड 2D में फ्लिट कमांड यूज कराया, फ्लिट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम यूज कर रहे थे फ्लिट, मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फ्लिट एफ एंटर आर एंटर, कितनी थिकनेस मैंने कहा 2 इंचेस, किसको कर्व करना है उस एजेस पे क्लिक करो, देन एंटर एंटर। ये देखिए हमने अपने टेबल के पार्ट को कितना स्मूथली कर्व में कन्वर्ट कर दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एफ एंटर आर एंटर एंड कितनी थिकनेस मैंने ली थी अप्रॉक्स 2 इंचेस मैं ले लेता हूँ एंड एजेस पे क्लिक करने के बाद एंटर एंटर, डबल एंटर करना है। ये देखिए हमने उसको एजेस को कर्व कर दिया। तो फ्रेंड्स हम इसी तरह ही अपने ऑटोकैड 3D में बेसिक इंटीरियर को, बेसिक पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ जो भी कमेंट्स हो, कोई भी क्वेरीज वगैरह हो, आपकी कुछ वीडियोस अलग से चाहते हैं, एडवांस चाहते हैं, किसी कोई ड्राइंग समझना चाहते हैं, आपको कोई मतलब कोई भी क्वेरी हो, एनीथिंग, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे होगा, वीडियो में दिया होगा, वेबसाइट है हमारी, आप उस पर मेल कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, थैंक यू।